भवन का अंतिम समय, इन आँखों से जो कुछ देखते हैं तुम्हारे सामने समाप्त हो जाएगा, आग लग जाएगी सबको, उसमें संबंधी भी आ जाते हैं और हमारे पोजीशंस भी आ जाते हैं, पदार्थ और दुनिया के अनगिनत आकर्षण भी आ जाते हैं। तो इसलिए देह संबंध, कि आज मेरा मन तैयार है कि मेरे संबंधी, स्पेशली खून के रिश्तेदार, अगर मेरे सामने शरीर छोड़ते हैं, विनाश काल में उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, क्या मैं आत्मा न्यारा रह सकूंगी? क्या उनको देखते मुझे बाबा याद आएगा, या मन तड़फ जाएगा, दुख में चले जाएंगे? एक मिनट पहले हमारा कोई संबंधी शरीर छोड़े, नेक्स्ट मिनट मेरी भी कॉल आ जाए, तो किसकी यादों में जाएंगे? एक मिनट पहले मेरा मकान भूकंप में चला जाए, मेरी प्यारी चीज़ें बाढ़ में डूब जाएं, नेक्स्ट मिनट मुझे जाना हो, तो किसकी याद में जाएंगे? चेक करना होगा ना, क्या मैं तैयार हूँ अंतिम समय के लिए? तैयारी करना मीन्स टोटली डिटैचमेंट, और टोटली डिटैच होने के लिए बाबा ये नहीं कहेगा पढ़ना कमाना रिश्ते निभाना छोड़ दो और आकर बैठ जाओ मधुबन में, या जंगल में एक झोपड़ी बना लो, वहाँ चले जाओ तैयारी करो, जैसे एग्जाम डेज में सब कुछ छोड़कर बच्चा लोग पढ़ाई में लग जाते हैं, ऐसा बाबा हमारे से कराने वाला नहीं है। टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ हमें सब कुछ करना और निभाना होगा, चाहे लौकिक का, चाहे सेवा का, चाहे पढ़ाई का, चाहे कमाई का, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। कर्म छोड़ करके विनाश के इंतज़ार में सिर्फ हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए, इसको तैयारी नहीं कहते। ये बाबा हमको छोड़ने नहीं देता। बाबा इसलिए कहते हैं, बच्चे जो होगा अचानक होगा। अचानक मीन्स ही कर्म भी करना है, लेकिन कर्म के प्लस माइनस के प्रभाव से मुक्त रहना है। कर्म की ये नेचर होती है कि कर्म हमें बांध लेता है, ये कर्म की नेचर है, कर्म हमें बांध लेता है, मन बुद्धि उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत तरह के फियर्स अनसर्टेनिटीज, उसके रिजल्ट के इफेक्ट्स, उसके करने की विधि में मन की प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है कि करते हुए भी हम नहीं कर रहे, बाबा करा रहा है। कर्म कर नहीं रहे, कर्म हो रहा है। कठपुतली नाच रही है, करावन हार ऊपर से करा रहा है। इतनी साक्षी अवस्था हो जाए, उस सारी तैयारी को हम फरिश्ता स्थिति कहते हैं। फरिश्ता कि जो बाबा ने वैरायटी डेफिनेशंस दिए, उसको थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं हम।
फरिश्ता मीन्स फर्श से कोई रिश्ता नहीं। फर्श किसको कहेंगे? फर्श, अर्थ, धरती, जमीन, मीन्स फाइव एलिमेंट्स। फरिश्ता वो जो पांच तत्वों की प्रकृति से बांधा न जा सके। ये पांच तत्वों का धर्म है आजकल दुख देना। पांच तत्वों का धर्म है अभी विकारों में फंसा देना, क्योंकि ये प्रकृति अंतिम जन्म में बहुत गुस्से में है बदला लेने पर, क्योंकि पिछले 63 जन्म हम सब ने इस प्रकृति का दुरुपयोग किया है, मिसयूज़ किया है। प्रकृति के बने हुए शरीर में आत्मा रही है और 63 बर्थ्स का लस्ट काम विकार से इस पांच तत्वों की देह को मिसयूज़ किया। क्रोध की अग्नि से हमने नेचर की पावर को डिप्लीट किया, शांति और पवित्रता के बजाय उसको काम और क्रोध से सींचा है हमने 63 जन्म। लोभवश बहुत से मकान बनाए, जंगल काटे, वैरायटी मिसयूज, वैरायटी तरह की सेविंग्स, कलेक्शंस, संग्रह हम सब ने बहुत जन्मों तक किए हैं। मोहवश बहुत चीज़ों पर पजेसिव हुए हैं, अहंकार में आकर के तेरे मेरे की बड़ी बड़ी दीवारें लगाई हैं, हम सब ने किया मिल करके। और नेचर को गुस्सा आया, अब बहुत क्रोध में बदला लेने चाहती है और अपने हर तत्व से बांधती भी है, दुख भी देती है। या तो मोहिनी रूप दिखा के बांधती है, बहुत अट्रैक्शंस नेचर में, और कहीं बहुत दुख, दोनों रूप आएंगे। पर फरिश्ता मीन्स फर्श से कोई रिश्ता नहीं। जिसका मन बियॉन्ड फाइव एलिमेंट्स काम करता है, और जैसे ही हम पांच तत्वों के प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होते हैं तो प्रकृति पति के प्रभाव में चले जाते हैं, और प्रकृति पति सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का सागर है। उससे जब कनेक्ट होते हैं आत्मा के अंदर, वो गहरा सुख, आनंद, पवित्रता, शांति समा करके नेचर को प्राप्त होती है। नेचर भी, प्रकृति भी शांत होने लगती है, सुखी होने लगती है, उसके तत्व भी प्योर होने लगते हैं। तो फरिश्ता मीन्स डिटैच है फाइव एलिमेंट से, फर्श से कोई रिश्ता नहीं। अर्शवासी, अर्श मीन्स आसमान, बियॉन्ड फाइव एलिमेंट्स। फरिश्ता जो ऊपर रहकर इस दुनिया का काम करे। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे तुम इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम यहाँ नहीं हो। बच्चे तुम इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम यहाँ नहीं हो। तुम बार बार इस शरीर से गायब हो जाओ, शरीर यहाँ है, तुम ऊपर आ जाओ, सारी कारोबार ऊपर आकर करो बाबा के सामने, और शरीर को ऊपर से ऐसे देखो धरती पर काम करता जैसे कोई कठपुतली नाच रही हो, पपेट शो। शरीर के द्वारा जो कुछ हो रहा है उसे ऊपर से
मास्टर जैसे कठपुतली नचाकर शो देखता है ऐसे देखो। तो ये एक उपराम अवस्था है जिसमें मैं आत्मा मन और बुद्धि से ऊपर चली गई। फरिश्ता मीन्स देहे और देहधारियों से कोई रिश्ता नहीं। कोई रिश्ता नहीं मीन्स ये नहीं कि हम देहधारियों से व्यवहार नहीं करते हैं, टोटल व्यवहार करते हुए भी मन के सारे रिश्ते बाबा से एक्सपीरियंस करते हैं।